बैक टू माई यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट हमने दो वीडियो में बंगाल के कलाकार पढ़े थे। उम्मीद है आपने देखी होगी वो वीडियो। यदि नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है TGT आर्ट थ्योरी के नाम से, उसको वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे उसी क्रम में, आज हमारी तीसरी वीडियो होगी बंगाल शैली के कलाकारों की, और आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बंगाल के आज कलाकार पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद कल हम इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम देखेंगे। तो जितना अभी हमने तीन वीडियो में देखा है उसका फास्ट रिवीजन एक तरह से क्वेश्चंस का, कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे कितने प्रश्न बनते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तभी आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा कि हाँ आपको कितना समझ में आया और कैसी तैयारी है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम देखेंगे, अरे तो देखेंगे हम पहले देवी प्रसाद राय चौधरी। किसको? देवी प्रसाद राय चौधरी को। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा मुझे भी तो मोटिवेशन मिले। देवी प्रसाद राय चौधरी। और हाँ, डेली रात को 10 बजे, रात को डेली 10 बजे, रात में 10 या 10:30 बजे डेली रात को एक क्लास होती है, डेली रात में 10 बजे एक क्लास होती है, उसमें हम TGT आर्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो डेली रात को 10 बजे क्लास होती है। TGT आर्ट के वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब रात को 10 बजे हर हाल में क्लास होती है। तो सभी लोग लाइव आकर जुड़ा करें, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में, ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में देखते हैं क्या है। तो इनका जन्म कब हुआ था, कमेंट पर छाप दीजिए आप लोग। तो इनका जन्म हुआ था 1899 में, और 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक और कोई कलाकार थे जिनकी मृत्यु 1975 में हुई थी, कमेंट पर छाप कर बता दो, फटाक से जल्दी से छापो जल्दी से, 1975 में और किसकी मृत्यु हुई थी। फिर आता है, हाँ तो बता दीजिए कि 1975 में किसका मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी बताइए। तो चलिए देखते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में बंगाल के रंगपुर ज़िले में। कहाँ हुआ था? बंगाल के रंगपुर ज़िले में, ठीक है, समझ गए होंगे। और ये रंगपुर अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, और तेजहट में, कहाँ? बांग्लादेश के तेजहट में पड़ता है अब, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये जो DP राय चौधरी थे, देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका विवाह किससे हुआ था? तो चौधरी साहब थे तो ऐसी वैसी लड़की से तो शादी करेंगे नहीं, तो इन्होंने किससे शादी की थी? इन्होंने की थी डॉली नाम की लड़की से। किससे? चौधरी साहब ने की थी डॉली नाम की लड़की से शादी। DP राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी थी? इन्होंने पेंटिंग किससे सीखी थी? तो इन्होंने सीखी थी अवनींद्रनाथ टैगोर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, DP राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? तो इन्होंने प्रशिक्षण, जो अगर प्रशिक्षण की बात आती है, तो इन्होंने लिया था हिरण्यम राय चौधरी से। अगर प्रशिक्षण की बात आती है तो हिरण्यम राय चौधरी से इन्होंने क्या लिया था? प्रशिक्षण लिया था। और अगर कला शिक्षा की बात आती है तो अवनींद्रनाथ टैगोर से ली थी, ठीक है। और जो आपने देवी प्रसाद राय चौधरी जी हैं, ये कौन हैं? ये मूर्तिकार हैं। कौन हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी जी हैं, जो चौधरी जी कौन हैं? मूर्तिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद स्मृति, क्या शहीद स्मृति? ये एक ब्रॉन्ज मूर्ति है। कैसी है?
ब्रॉन्ज मूर्ति है, कांस्य मूर्ति है। तो इसका निर्माण कहाँ पर किया था? इसका निर्माण किया था इन्होंने पटना में। कहाँ पर? पटना में किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किया था? चौधरी साहब ने। किसने? चौधरी साहब ने। तो डीपी राय चौधरी ने शहीद स्मृति, जो कि कैसी मूर्ति है, ये ब्रॉन्ज की मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति है, कहाँ पर किया था? पटना में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रम्प ऑफ लेबर किसने बनाई थी मूर्ति? ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी मूर्ति, किसने मूर्ति बनाई थी? तो ये बनाई थी किसने? डीपी राय चौधरी ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वर्ष 1954 में निर्मित डीपी राय चौधरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति का नाम क्या है? श्रम की विजय। क्या है? श्रम की विजय। इसको कहाँ स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था दिल्ली संग्रहालय में। कहाँ पर? नई दिल्ली के संग्रहालय में। तो 1954 में चौधरी साहब ने एक मूर्ति बनाई थी। क्या बनाई थी? सबसे ज़्यादा फेमस मूर्ति थी श्रम की विजय। ये कहाँ पर सुरक्षित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रम की विजय मूर्ति का जो एक अन्य संस्करण 1959 में हुआ था, वो हुआ था जो 1954 में मूर्ति बनाई थी श्रम की विजय। अब अगले ही पाँच साल बाद 1959 में इस कांस्य एवं सीमेंट से संयोजन से देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो मूर्ति निर्मित की थी, इसको कहाँ पर निर्मित किया था? निर्मित किया था इसको चेन्नई में। निर्मित किया था इसको चेन्नई में, लेकिन अब रखी कहाँ गई है? नई दिल्ली में स्थापित की गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये जो श्रम की विजय मूर्ति है, इसको देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया था। और एक सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना जो क्या दर्शाती है, मतलब जो श्रम की विजय मूर्ति है ये क्या दर्शाती है? ये मूर्ति दर्शाती है कि राज्य मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाती है। जो श्रम की विजय मूर्ति है ये क्या दर्शाती है? कि राज्य जो है वो मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दर्शाती है। समझ गए होंगे। फिर आता है नेक्स्ट, टोक्यो में 1955 में टोक्यो में आयोजित एक यूनेस्को आर्ट सेमिनार हुआ था, उसके अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया था? एक यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में काम किया था किसने? चौधरी साहब ने। तो क्वेश्चन बनता है, 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में काम किसने किया था? तो डीपी राय चौधरी ने किया था। समझ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। कब हुई थी ललित कला अकादमी की स्थापना? 1954 में हुई थी। तब इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो सबसे पहली बात तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। और तब इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था, संस्थापक अध्यक्ष चुना गया था किसको? डीपी राय चौधरी को। समझ गए होंगे। फिर आता है नेक्स्ट कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को होती है, 54 को नई दिल्ली के रविंद्र भवन में होती है। कहाँ पर? नई दिल्ली के रविंद्र भवन में होती है। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को छोड़ने की गलती मत करिएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि नंबर जाने वाले हैं आपके हाथ से। हर एक एक पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जैसे बस अमृत है, ये अमृत एक तरह से कहा जाए ना, तो अमृत है। अगर अमर होना है तो ये अमृत पीना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट, एक एक बूंद पीना पड़ेगा। जितने भी पॉइंट हैं ना, सब बूंद हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है, अच्छा कलर चेंज कर लें, चलिए। तो आता है, दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर प्लास्टर कास्ट और कांस में ढले विशाल सार्वजनिक मूर्ति कौन सी मूर्ति है? स्वतंत्रता स्मारक, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं, स्वतंत्रता स्मारक या दांडी मार्च,
स्वतंत्रता स्मारक या दांडी मार्च। तो क्या है क्वेश्चन, दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर प्लास्टर कास्ट और कांस्य में ढले विशाल सार्वजनिक मूर्ति स्वतंत्रता स्मारक या दांडी मार्च या 11 मूर्ति जो कि 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर ऊंची और 11 आकृतियों के संयोजन से बनी है, इसके मूर्तिकार कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं इनके। फिर से सुनिए क्वेश्चन, दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर प्लास्टर कास्ट और कांस्य में ढले विशाल सार्वजनिक मूर्ति स्वतंत्रता स्मारक या दांडी मार्च या 11 मूर्ति जो कि 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर ऊंची 11 आकृतियों के संयोजन से बनी है, समझ गए? तो किसने बनाया है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। तो क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो कलाकार के साथ साथ ये कौन थे? पहलवान भी थे प्लस शिकारी भी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहलवान कौन थे, शिकारी कौन था, नाविक कौन था और संगीतकार और कलाकार तो थे ही, सभी जानते हैं। तो देवी प्रसाद राय कौन कौन क्या क्या थे? तो ये पहलवान भी थे, शिकारी भी थे, नाविक भी थे, संगीतकार भी थे, कलाकार भी थे, समझ गए होंगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा और ध्वंस देवता और लय स्नान के बाद जब जाड़ा आता है, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित और शहीद स्मारक जैसे मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। कौन कौन लिख दें? चलिए हम कुछ लिख देते हैं, कुछ बाकी बोल देते हैं। जैसे देवता, सॉरी ध्वंस देवता, ध्वंस देवता इन्हीं की है और लय किसकी है? ये भी देवी प्रसाद राय चौधरी की है और स्नान के बाद ये भी इन्हीं की है और अंतिम प्रहार, और है अंतिम प्रहार किसकी है? ये भी देवी प्रसाद राय चौधरी की है और भूख से पीड़ित, मतलब कितना अच्छा चित्र बनाते थे, कितनी अच्छी मूर्तियां बनाते थे, भूख से पीड़ित, समझ में तो आ रहा होगा ना? बताइए कमेंट पर, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा ना तो आप ही के दिमाग में कुछ गड़बड़ी है सच्ची में। जाकर ना थोड़ा बोल्ट वगैरह ना थोड़ा सा टाइट करवा लीजिए। है कमी कि नहीं है बताइए, थोड़ा कमी है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ से अब पढ़ते हैं। तो देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी जी के जो मूर्तिकार मूर्ति हैं कौन कौन सी हैं? पहली आती है स्नान के बाद, फिर आता है जब जाड़ा आता है, फिर तीसरी आती है अंतिम प्रहार, फिर आती है ध्वंस देवता, चौथी आती है लय, फिर नेक्स्ट आती है भूख से पीड़ित और फिर शहीद स्मारक। और शहीद स्मारक कहाँ बना है? ये पटना में, ठीक है? तो इतनी ये किसकी हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी की है। अब आता है देवी प्रसाद राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव था? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डीपी राय प्रसाद राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव था? तो देखिए, फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अगस्त रोंडा का, किसका था? अगस्त रोंडा या फिर रोंडा, तो अगस्त रोंडा का प्रभाव किस पर था? डीपी राय चौधरी पर था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बने थे मद्रास में? तो कौन बने थे? यही चौधरी साहब। ट्रिक क्या बताई थी हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि चौधरी साहब मदिरा पीने गए थे, मदिरा से बना मद्रास, और कब गए थे? 29 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वास्तुकला, धातु ढलाई और मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से
शिक्षण में सम्मिलित किया गया था। तो इनको किस में सम्मिलित किया गया था? मद्रास में। फिर से सुनिए, वास्तुकला, धातु ढलाई, मूर्ति रचना और आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण मिली थी? तो मद्रास में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चले, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है, देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में। किसको दिया गया था? चौधरी साहब को। चौधरी साहब को 1958 में क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है। अच्छा, एक कलाकार को पद्म विभूषण मिला है और 1954 में मिला है। किसको मिला है? कमेंट पर छाप दो। फिर नेक्स्ट आता है, एक मूर्ति है, दुखिया मूर्ति। दुखिया है और कैसी बनी है? ये कांस्य की बनी है। दुखिया मूर्ति है और किसकी बनी है? कांस्य की बनी है। और इसको बनाया किसने है? अपने चौधरी साहब ने। चौधरी साहब ऐसे हैं कि सब कोई उनसे दुखी बना रहता है, तो दुखिया मूर्ति इन्होंने बना दी। तो चौधरी साहब ने कौन सी मूर्ति बनाई है? दुखिया मूर्ति बनाई है। और कब बनाई थी इसको? 1936 में। कब बनाई थी? 1936 में। नेक्स्ट आता है, डी पी राय चौधरी के चित्रण में विषय क्या रखे गए हैं? सबसे ज़्यादा विषय इन्होंने रखा है महिलाओं के बारे में, मतलब महिलाओं की मूर्तियाँ बनाई हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा। ठीक है, महिलाओं का विषय रखा गया है। और फिर आता है कि चौधरी साहब का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1975 में इनका निधन हो गया था। तब इनकी उम्र थी लगभग 76 वर्ष। ठीक है, 76 या 77 के लगभग होंगे। ठीक है, तो 1975 में। और किसकी मृत्यु हुई थी आपने बताया नहीं, कमेंट पर छाप दो। यहाँ से हमारा देवी प्रसाद राय चौधरी कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कौन? मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई आते हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1897 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु भी 1975 में हुई थी। तो 1975 में। और किसकी मृत्यु हुई थी? अभी पीछे पढ़ा है डीपी राय चौधरी की। और इनका जन्म कब होता है? 1897 में हुआ था, चगताई का। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनके बारे में आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इनका जन्म कब हुआ था। तो अभी देखा 1897 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। फिर आता है अब्दुल रहमान चगताई के आरंभिक कला शिक्षक कौन थे? इनके जो कला शिक्षक थे वो कौन थे? तो इनके शिक्षक थे उस्ताद मीर बख्श। कौन थे? इनके शिक्षक थे। और ये इन्होंने शिक्षा किससे प्राप्त की थी? उस्ताद मीर बख्श से प्राप्त की थी। किसने? चगताई ने। किसने प्राप्त की थी? चगताई ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब्दुल रहमान चगताई का प्रभाव किसका पड़ा था? तो ये बंगाल शैली का पड़ा था, बंगाल स्कूल का। और नेक्स्ट आता है फिर अब्दुल रहमान चगताई ने 1940 में कला की शिक्षा कहाँ से ली थी? और बाद में उन्हें उसी कला विश्वविद्यालय में नियुक्त भी कर दिया गया था, मतलब वहीं पर ये पढ़े भी थे और वहीं पर ये नियुक्ति पा लिए थे। तो कहाँ पर इन्होंने की थी? जब ये पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वहीं के कॉलेज में की होगी। तो वहाँ पर कौन सा कॉलेज है? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज लाहौर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक जो मुस्लिम कलाकार माना जाता है, किसको माना जाता है? इन्हीं चगताई को मुस्लिम कलाकार माना जाता है। कहाँ का? दक्षिण एशिया का। नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? तो ये पाकिस्तान के थे तो इसलिए इनको पाकिस्तान का फर्स्ट राष्ट्रीय नेशनल आर्टिस्ट मानते हैं। फर्स्ट राष्ट्रीय
आर्टिस्ट मानते हैं किसको, चगताई को। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है एम ए चगताई का चित्र एक होली है, एक होली चित्र है जिसको किसने बनाया है, इसको बनाया है कागज़ पर किस पेंटिंग में, वॉश टेक्निक से, किस टेक्निक से, वॉश टेक्निक से होली को कागज़ पर बनाया गया है। और इसको किसने बनाया है, चगताई ने बनाया है, पहली बात। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसको कहाँ पर संग्रह किया गया है, तो इसको कहाँ रखा गया है, होली को नई दिल्ली में रखा गया है। और बनाया किसने, चगताई ने बनाया है, कहाँ, किस में बनाया है, कागज़ और वॉश टेक्निक में बनाया है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन, मतलब कैली, रुकिए लिख कर बताते हैं इसको, कैलीग्राफिक लाइन, समझ गए। कैलीग्राफिक लाइन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, कमेंट पर बताओ, कैलीग्राफिक लाइन, हाँ करिए कमेंट, हम देख रहे हैं। हम ही बताते हैं, इसका मतलब होता है सुलेखीय रेखा, क्या होता है, सुलेखीय रेखा होता है, मतलब कैलीग्राफिक लाइन का मतलब होता है सुलेखीय रेखा। और इसका प्रयोग किसने किया था, चगताई ने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसलिए हम इतना जोर देकर बता रहे हैं। तो कैलीग्राफिक लाइन का प्रयोग किसने किया था, चगताई ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है कि अब्दुल रहमान चगताई जो थे, इनकी शैली को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका, इनका नाम क्या है, चगताई है, तो इनको क्या कहेंगे, चगताई शैली कह देते हैं, क्या कहते हैं, चगताई शैली बोल देते हैं। जब इनका नाम ही चगताई है तो फिर शैली नाम देने में क्या गलती है, ठीक है। अब इनके देखिए, इन पर कुछ चित्र का प्रभाव पड़ा था, चगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो मुग़ल लघु चित्रकला का दिखाई देता है, आर्ट नोवो का दिखाई देता है, और तीसरा आता है इस्लामिक ईरानी कला का, तो किसका किसका, मुग़ल लघु चित्रकला का, आर्ट नोवो का और इस्लामिक ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एआर चगताई का प्रसिद्ध चित्र है विरहिणी राधिका, क्या है, विरहिणी राधिका, और इनका एक और है या फिर ग्लूमी राधिका, एक ही है ये, ग्लूमी राधिका, किसका चित्र है, इन्हीं का है, चगताई जी का है। और इन दोनों को, राधिकाओं को कहाँ से, कहाँ रखा गया है, तो न्यू दिल्ली में, कहाँ रखा गया है, नई दिल्ली में रखा गया है। किसका चित्र है, तो चगताई का चित्र है, ठीक है, समझ गए होंगे। और इन दोनों को किसमें बनाया गया है, बनाया गया है वॉश और टेम्परा टेक्निक में, समझ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। देखिए, जो जो इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी ना, दूसरी वाली वीडियो, उसमें क्या हुआ है कि पहले तो वो शायद आधे घंटे या फिर 35-36 मिनट तक चली है, फिर लास्ट में वो पता नहीं खिचखिच ऐसे आने लगा था, मतलब उसमें साफ नहीं आई है। तो उसमें परेशान मत होइएगा, उसमें फालतू दिमाग मत खपाइएगा कि हमें दिख नहीं रहा है, हमारी आवाज़ ही इतनी स्पष्ट आ रही है उसमें कि उसको स्क्रीन में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन में तो ऐसा होता है कि जो हम बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, लेकिन माइंड ये रखता है कि हम जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बोलना ही सबसे मोस्ट होता है, और जो हमने बोला है उसमें स्पष्ट है सब कुछ। इसलिए केवल मोबाइल को साइड में रख के केवल उस वीडियो को सुनिए, जिससे कि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रीन पर लिखा है और हमने ना बोला हो, हमने वही बोला है जो स्क्रीन पर लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि रंगों का सम्राट किसे कहते हैं, तो रंगों का सम्राट कहते हैं मोहम्मद अब्दुल रहीम चगताई को, मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई को क्या कहते हैं, रंगों का सम्राट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, और इनकी एक कृति है जहां आरा और ताज, क्या है, जहां आरा और ताज, जहां आरा और ताज इनकी एक कृति है। इसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है, किस चित्र का प्रभाव, तो ये देखने को मिलता है शाहजहां के अंतिम दिन, शाहजहां के
अंतिम दिन का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहां आरा और ताज ये किसकी है, ये चगताई की है, और शाहजहां के अंतिम दिन किसकी है ये बताइए आप, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर की है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की जो शाहजहां के अंतिम दिन है, इसका प्रभाव किस पर पड़ा है, जहां आरा और ताज पर। ठीक है, और ये किसकी है, ये चगताई की है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को किस माध्यम में बनाया, तो अभी अभी हमने पढ़ लिया है टेम्परा और वॉश पेंटिंग में। ठीक है, फिर आता है चगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया था, तो देखिए चगताई जी की तीन पुस्तकें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तीनों पुस्तकें, तो इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी थी, मुरक्का ए चगताई। अच्छा हमें कमेंट पर बताइए मुरक्का क्या होता है, हम देखें थोड़ी सी आपकी आर्ट कैसी है, मुरक्का क्या होता है कमेंट पर बता दीजिए, मुरक्का ए चगताई। फिर दूसरा आता है नक्काश ए चगताई, क्या है दूसरा, नक्काश ए चगताई है, और तीसरा है चगताई की पेंटिंग, क्या है, चगताई की पेंटिंग। तो इनकी तीन पेंटिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। तो पहली है मुरक्का ए चगताई, दूसरी है नक्काश ए चगताई, तीसरी है चगताई की पेंटिंग, और ये तीनों किसकी हैं, तो ये किसकी हैं, अब्दुल रहमान चगताई की, इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। फिर पूछा जाता है चगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो क्या था महत्वपूर्ण कार्य, इन्होंने जो अभी अभी हमने ऊपर बताया मुरक्का ए चगताई, जो मुरक्का ए चगताई था इनका सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, और यह मिर्जा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र संकरण है, इसमें संस्करण है, तो क्या है इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने, ये जो मुरक्का ए चगताई है ये किसका है, सबसे पहली बात यह चगताई का, और करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इनका, और इसमें क्या वर्णन है, इसमें मिर्जा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण मिलता है, समझ गए होंगे उम्मीद है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर पॉइंट आता है नेक्स्ट, चगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिएगा पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगों को तैयार करना, और अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना। तो इनकी लोकप्रियता का कारण क्या है, पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगों को तैयार करना, और अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना, समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय थे, कौन, एलिजाबेथ द्वितीय। तो देखिए जो अब्दुल रहमान चगताई थे, देखिए कहीं कहीं चगताई भी देते हैं कहीं कहीं चगताई देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वही चीज़ है। ठीक है, तो किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो भी थे और एलिजाबेथ भी थी, तो इनके प्रशंसक किसके प्रशंसक थे, ये लोग चगताई के प्रशंसक थे, किसके, चगताई के प्रशंसक थे। ठीक है, अब आता है चगताई के कुछ प्रमुख चित्र हैं उनको देख लेते हैं, तो इनके चित्र हैं, हम बोलते जा रहे हैं केवल लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, है सहारा की राजकुमारी, दूसरा है प्रिंस सलीम, तीसरा है जंगल में लैला, चौथा है कवि, और कौन सा है, और आपको याद आ रहे हो तो कमेंट पर बताइए। हाँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पहला है राजा की, नहीं एक सेकेंड, हम दोबारा से पढ़ा देते हैं दोबारा से, पहला है सहारा की राजकुमारी, दूसरा है प्रिंस सलीम, तीसरा है जंगल में लैला, चौथा है कवि, फिर पांचवा है राधा कृष्ण, और फिर छठवा है होली, फिर नेक्स्ट है हीरा मन तोता, और फिर है गोस्वामी तुलसीदास, फिर है उमर खैयाम। हो गए, तो फिर से देख लीजिए, सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, और कवि, फिर राधा कृष्ण, फिर होली, फिर हीरामन तोता, और गोस्वामी तुलसीदास, फिर उमर खैयाम। फिर अब यहाँ से हमारे अब्दुल रहमान चगताई ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ख़त्म हो जाता है, अब नेक्स्ट कलाकार के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिस्ट के ऊपर चलते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिस्ट आ जाता है अब अपना
आता है शारदा चरण उकील। कौन आता है? शारदा चरण उकील। तो देखते हैं शारदा चरण उकील कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, कमेंट पर छापो। इनका जन्म हुआ था कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1888 में और इनकी मृत्यु कब होती है 1940 में। तो इनका जन्म कब हुआ था 1888 में और 1940 में इनका मृत्यु हुई थी। अब आता है शारदा उकील का जन्म कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, विक्रमपुर में हुआ था और ये कहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश में। ये भी बांग्लादेश में पड़ता है, कहाँ पर, विक्रमपुर में। ये कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, विक्रमपुर में, ठीक है। विक्रमपुर में किसका जन्म हुआ था, शारदा चरण उकील जी का, उकील जी का, वकील जी का। वकील जी का जन्म कहाँ हुआ था, विक्रमपुर में। बार बार से याद कर लीजिए, वकील जी और विक्रमपुर में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, विक्रमपुर में हुआ था। नेक्स्ट आता है शारदा उकील ने, सीधे हम वकील बोलेंगे, ठीक है। तो शारदा वकील ने उस चलिए उकील बोलते हैं, काय को फर्क। उकील ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी और किसके निर्देशन में, तो इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी कलकत्ता में, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कलकत्ता में। और किसके निर्देशन में प्राप्त की थी, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में, कहाँ पर, कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट आता है शारदा उकील चित्रकार के साथ और किस रूप में प्रसिद्ध थे। जो शारदा उकील थे ये हीरो भी थे, कौन, हीरो भी थे, अभिनेता थे, कौन थे, अभिनेता थे, ठीक है। फिर आता है 1925 में निर्मित एक फिल्म बनाई गई थी प्रेम संन्यास, कौन सी, प्रेम संन्यास, कौन सी मूवी थी, प्रेम संन्यास एक मूवी थी। इसमें शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई थी, इसमें किसकी भूमिका, शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई थी, तो ये निभाई थी इन्हीं ने, किसने, वकील साहब ने, किसने, उकील ने, उकील ने शुद्धोधन का रोल किया था, किसमें, प्रेम संन्यास मूवी में। ये कब आई थी, 1925 में। नेक्स्ट आता है शारदा उकील के दो छोटे भाई थे, कौन कौन थे, तो इनके दो छोटे भाई थे, एक था वारदा, दूसरा था रानोदा। पहला था वारदा, फिर दूसरा था रानोदा। ये किसके भाई थे, ये थे उकील के भाई थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नई दिल्ली में सर्व प्राचीन आर्ट स्कूल शारदा उकील, कौन, क्या नाम है, शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये जो शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट था, ये कहाँ पर था, ये था नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना किसने की थी, अपने वकील साहब ने की थी, बंगाल शैली के कलाकार शारदा उकील ने की थी। और कब की थी, 1926 में। नेक्स्ट आता है नई दिल्ली में रूपलेखा नामक एक कला पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो ये उकील ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है शारदा चरण उकील के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, तो ये है अर्जुन का देह त्याग, क्या है, अर्जुन का देह त्याग, ये क्या है, चित्र है, किसने बनाया है, शारदा चरण उकील ने बनाया है। दूसरा आता है स्मृति, फिर आता है ईद का चांद, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ईद का चांद किसने बनाया है, तो ये बनाया है उकील ने बनाया है। अर्जुन का देह त्याग किसने बनाया है, तो ये उकील ने बनाया है। स्मृति किसने बनाई है, उकील ने बनाई है। ईद का चांद किसने बनाया है, उकील ने बनाया। अब हमें हाँ, तो ये बताना है कि जो शाहजहाँ का बुढ़ापा है, ये किसकी है कृति, शाहजहाँ का बुढ़ापा किसकी है, और कमेंट पर छापो दुखिया जो मूर्ति बनाई है वो किसने बनाई है, और कमेंट पर छापो कि हरिपुरा का जो विज्ञापन है वो किस प्रसिद्ध कलाकार से संबंधित है, और कब इनका, मतलब टाइम पीरियड बताओ, सन बताना है, और बताओ संथाल गर्ल किसकी पेंटिंग है, और एक और कमेंट पर छापो जब तक, कृष्ण लीला गायन जितेंद्रनाथ मजूमदार ने
किससे प्रशिक्षण लिया था, इतने जब तक छापो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे शारदा चरण उकील खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट शुरू होते हैं मुकुल चंद्र डे। कौन? मुकुल चंद्र डे स्टार्ट हो जाते हैं, मुकुल चंद्र डे, ठीक है। अभी तक कोई समस्या समझ में नहीं आया या फिर कोई दिक्कत? चलिए, तो अब मुकुल चंद्र डे का जन्म कब हुआ था, तो 1895 में, और इनकी मृत्यु कब होती है, 1989 ईस्वी में, ठीक है। ये सन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो हम अभी पूरा रटा देंगे, बिल्कुल से रटा देंगे अभी हम लास्ट में ना, या फिर हो सकता है हम 2 मिनट की वीडियो ही डाल देंगे, ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो 1895-1989 में, ठीक है। तो मुकुल चंद्र डे का जन्म कब हुआ था, 1895 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बांग्लादेश के श्रीधर खोला में, बांग्लादेश के श्रीधर खोला में हुआ था, श्रीधर खोला में हुआ था, ठीक है। फिर आता है मुकुल चंद्र डे ने कला की शिक्षा किससे ली थी, इन्होंने कला की शिक्षा 1905-6 के लगभग कला की शिक्षा किससे ली थी, रविंद्रनाथ टैगोर से ली थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन में, तत्पश्चात फिर इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर से ली थी, ठीक है, कलकत्ता में। तो देखिए, आरंभ में इन्होंने 1905-6 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर से ली, कहाँ पर, ये ली थी शांति निकेतन में। फिर इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर से ली, और ये कहाँ पे ली थी, ये कलकत्ता स्कूल में। तो कुल मिलाकर पूछा जाएगा मुकुल चंद्र डे जो थे, इनकी शिक्षा किससे ली थी, तो 1905-6 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर से, और कहाँ पर, शांति निकेतन में, और फिर इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर से ली थी, और ये कहाँ पर, कोलकाता में। नेक्स्ट आता है कि 1928 ईस्वी में, कब, 1928 ईस्वी में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्रथम पूर्णकालिक भारतीय प्रधानाचार्य, पूर्णकालिक बोल रहा है, कैसा, पूर्णकालिक, कैसा है, पूर्णकालिक है। तो पूर्णकालिक भारतीय प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था, तो इन्हीं को, मुकुल जी को, किसको, मुकुल चंद्र डे को, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग, क्या, ड्राई पॉइंट एचिंग, इसके किसके अगुआ थे, तो ये मुकुल चंद्र डे के अगुआ थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, किसको, एचिंग को, तो कौन जाने जाते हैं, ये मुकुल चंद्र डे, ठीक है। फिर आता है मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, ये करी थी अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेंडिंग स्लोन, कौन, जेम्स लिख दें, ठीक है, जेम्स ब्लेंडिंग स्लोन और किससे, बर्थ जैक्स से, ठीक है। तो मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीकी किससे सीखी थी, किससे शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेंडिंग स्लोन से, और किससे, बर्थ जैक्स से, किसने, मुकुल चंद्र डे ने, समझ आ गया। नेक्स्ट आता है किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया था, तो किसने किया था, मुकुल चंद्र डे ने, कहाँ पर, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1940 के दशक के उत्तरार्ध में किस कलाकार ने बड़े पैमाने पर सुरूल के टेराकोटा मंदिर, कौन से, सुरूल के टेराकोटा मंदिर की फोटो खींची, जिसे बाद में वीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम में 1959 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रकाशित किया, किसने, मुकुल चंद्र डे ने। फिर से सुनिएगा, 1940 ईस्वी के दशक के उत्तरार्ध में किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पर
सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फ़ोटो खींची और जिसे बाद में वीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम में 1959 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया। तो किसने? मुकुल चंद्र डे ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मुकुल चंद्र डे का विख्यात चित्र तर्पण। तर्पण कहाँ सुरक्षित किया गया है? इसको किया गया है नई दिल्ली में। और ये किस टेक्निक से बनाया गया है? वॉस एंड टेम्परा से। और ये किसका चित्र है? ये है मुकुल चंद्र डे का चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई। क्या है? वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई, ये किसने बनाया है? ये बनाया है मुकुल चंद्र डे ने बनाया है। और ये किस पर बनाया है? तो ये कागज़ पर बनाया है एचिंग पद्धति से। किस पर? कागज़ पर एचिंग पद्धति से। और क्या नाम है? वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई, ठीक है। किसने बनाया है? मुकुल चंद्र डे ने। और कहाँ सुरक्षित है? इसका संरक्षण किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट आता है नई दिल्ली में भित्ति चित्र सलाहकार समिति के सदस्य कौन थे? तो यही थे मुकुल चंद्र डे। नई दिल्ली में भित्ति चित्र सलाहकार समिति के सदस्य कौन थे? मुकुल चंद्र डे थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर 1956 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के दूसरे मतलब सेकेंड कौन बने थे? तो ये मुकुल चंद्र डे बने थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ष 1987 ईस्वी में किसने? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने किसे मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसे मानद डायरेक्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये मुकुल चंद्र डे को। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वर्ष 1987 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने किसे मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसे? मुकुल चंद्र डे को, ठीक है। यहाँ से हमारा मुकुल चंद्र डे भी कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? मुकुल चंद्र डे भी कंप्लीट हो जाता है। और इधर से स्टार्ट होता है के वेंकटप्पा, ठीक है। तो के वेंकटप्पा का जन्म होता है 1886 में और 1965 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके बारे में जानेंगे, ठीक है, तो चलिए जानते हैं। हाँ, तो वेंकटप्पा का जन्म कब हुआ था? तो वेंकटप्पा से याद कर लीजिए कटप्पा, केवल याद करने का उद्देश्य। हाँ, तो कटप्पा का जन्म कब हुआ था? वेंकटप्पा का, तो इनका जन्म हुआ था 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। कहाँ पर हुआ था? इनका हुआ था जन्म मैसूर, कहाँ? कर्नाटक में। तो कटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेंकटप्पा जो थे ये चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार हैं। जब चित्रकला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर चित्रकार ही होंगे, तो ये चित्रकार थे। श्री वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये कैसे चित्रकार थे? ये लघु चित्रकार थे। कैसे थे? लघु चित्रकार थे। कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करते थे? तो देखिए, ये जो लघु चित्र बनाते थे किस पर बनाते थे? ये हाथी के दांत पर। किसके दांत पर? हाथी के दांत पर ये चित्र बनाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो क्या होता है? हाथी दांत के फलक पर किसने कूच बिहारी महाराजा की दो शबीहें अवनींद्रनाथ का व्यक्तित्व चित्र तथा एमबी राधा स्वामी का व्यक्ति चित्र बनाया? तो किसने बनाया था? ये वेंकटप्पा ने बनाया था। क्या क्या बनाया था? अवनींद्रनाथ का व्यक्ति चित्र प्लस किसका? रामा स्वामी का। तो अवनींद्रनाथ और रामा स्वामी का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो कटप्पा ने बनाया था, ठीक है, कटप्पा ने बनाया था। और ये किस पर बनाया था? हाथी दांत के फलक पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहते हैं? तो बंगाल का मंसूर किसको कहते हैं? यही कटप्पा को कहते हैं, बंगाल का
मंसूर, कटप्पा का मतलब वेंकटप्पा, ठीक है। फिर आता है मैसूर महाराजा के निवेदन पर किसने मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल के लिए उभार कर चित्र मतलब बेस रिलीफ हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, क्या हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, तो हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम और शिव का तांडव नृत्य और शकुंतला की विदाई और एकलव्य का धनुर्भ्यास गुरु द्रोण, ये सब किसने बनाए थे, तो किसने बनाए थे वेंकटप्पा ने। इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, तो हनुमान को क्या है, हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, मुद्रिका देते राम ये भी बनाया था, और बनाया था गुरुद्रोण, क्या बनाया था गुरुद्रोण बनाया था, एकलव्य का धनुर्भ्यास, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास, विद्याभ्यास बनाया था, और फिर बनाया था शिव का तांडव नृत्य, शिव का तांडव नृत्य किसने बनाया था, कटप्पा ने तांडव नृत्य, फिर शकुंतला की विदाई बनाया था, शकुंतला की विदाई किसने बनाया था, ये भी कटप्पा ने बनाया था। तो क्या आता है, तो आ जाता है हनुमान को मुद्रिका देते राम किसने बनाया है, ये भी, ये सब कटप्पा ने बनाए हैं, ठीक है। गुरुद्रोण किसने बनाया, कटप्पा ने। एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास ये भी कटप्पा का है, शिव का तांडव नृत्य ये भी कटप्पा का है, शकुंतला की विदाई ये भी कटप्पा की है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है किस कलाकार के चित्रों के विषय प्रायः पुराण और प्राचीन आख्यानों पर आधारित रहे, किस पर, पुराण पर और प्राचीन आख्यान पर, तो किसके थे, यही कटप्पा के थे। तो वेंकटप्पा के जो चित्र हैं वो हमेशा पुराणों पर और प्राचीन आख्यान पर आधारित रहते थे, जैसे रामायण हो गया और राम सीता हो गया और महाभारत हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कि किस कलाकार के चित्रों के विषय प्रायः पुराण और प्राचीन आख्यानों पर आधारित रहे, तो किसके, कटप्पा के। जैसे एग्जाम्पल पूछता है तो रामायण, राम सीता, महाभारत इन पर आधारित थे, ठीक है। फिर वेंकटप्पा की प्रसिद्धि और किस रूप में थी, वेंकटप्पा की जो प्रसिद्धि थी वो वीणा वादक के रूप में, मतलब जो कटप्पा था वो वीणा वादक था, मतलब चित्रकार तो थे ही साथ में वीणा भी बजाते थे। वेंकटप्पा के पूर्वज कौन थे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, अभी हमने पढ़ा है मैसूर में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, तो इनके जो पूर्वज होंगे कौन होंगे, मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार, मैसूर राज्य के जो दरबारी चित्रकार होंगे वही तो इसके पूर्वज होंगे, तो बस यही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेंकटप्पा ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, किससे प्राप्त करेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर से, और कब की थी, 1909 से लेकर 11 के बीच में, और किस कॉलेज में, कलकत्ता आर्ट्स स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ष 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य अजंता की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने में लेडी हेरिंगम के दल में अन्य चित्रकारों के साथ कौन शामिल था, तो देखिए इसमें, इस टाइम पीरियड में इसने जो कटप्पा था, कटप्पा थे, इन्होंने किसके साथ मिलकर चित्र बनाए थे, तो हेरिंगम के साथ, लेडी हेरिंगम के साथ मिलकर इन्होंने 1909 से 11 के बीच में चित्र बनाए थे, बस यही बोल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वेंकटप्पा की शैली किससे प्रभावित थी, तो ये मुगल व दक्षिणी शैली से, किससे प्रभावित थी, मुगल व दक्षिणी शैली से इनकी प्रभावित थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 1926 में ऊटी के दृश्य, किसके, ऊटी के दृश्य, और 1934 में कोडई कनाल के चित्र दृश्य, कोडई कनाल के दृश्य किसने बनाए थे, कोडई कनाल के, तो 1926 में ऊटी के दृश्य और 1934 में कोडई कनाल के दृश्य किसने बनाए थे, बनाए थे वेंकटप्पा ने, किसने, वेंकटप्पा ने बनाए थे, ठीक है। फिर आता है लंका दहन, लंका दहन और
सीता व स्वर्ण मृग और राम का विवाह है, और टीपू सुल्तान, ये सब चित्र किसने बनाए हैं? ये सब वेंकटप्पा ने बनाए हैं। कौन कौन से? लंका दहन, सीता व स्वर्ण मृग, और फिर है राम का विवाह है, और है टीपू सुल्तान। तो ये किसने चित्र बनाए हैं? ये बनाए हैं वेंकटप्पा ने। किसने बनाए हैं? वेंकटप्पा ने बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्ष 1966 में, किसमें 1966 में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम से बेंगलोर में, कहाँ पर? बेंगलोर में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, कौन सी? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की। तो किस कलाकार के नाम से आर्ट गैलरी की? तो यही थे कौन? वेंकटप्पा। तो क्वेश्चन बनेगा 1966 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम से बेंगलोर में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना करने का प्रयास किया था, फैसला लिया था। तो किसके? वेंकटप्पा के। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ से जो कटप्पा से क्वेश्चन बनने थे कंप्लीट हो गए, अब नहीं बनेंगे इधर से, क्योंकि जितने बनने थे हम पढ़ चुके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट कलाकार आते हैं, कौन आते हैं? शैलोज मुखर्जी। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरे जितने भी बंगाल के कलाकार हैं, बस एक दो कलाकार और बचे हैं, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। तो आता है शैलोज मुखर्जी। तो शैलोज मुखर्जी, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? 1960 में, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि शैलोज मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर पूछा जाता है कि शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की थी? तो इनकी जो कला थी, इनकी कला थी भाववादी। कैसी थी? मुखर्जी जी की कला कैसी थी? भाववादी थी, मतलब इसी को हम कहते हैं रंगवादी। कैसी थी? रंगवादी थी। कैसी थी? रंगवादी थी, ठीक है। फिर आता है, शैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा ली थी? तो इसने माचिस याद करिए, जो मुखर्जी थे, इन्होंने शिक्षा किससे ली थी? मातिस से ली थी। किसने? मुखर्जी ने। शैलोज मुखर्जी जो थे, इन्होंने किससे शिक्षा ली थी? माचिस से शिक्षा ली थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया था? तो किसने किया था? शैलोज मुखर्जी ने। किसने? मुखर्जी ने ही आधुनिक कलाकारों और अमृता शेरगिल के बीच में एक सेतु का कार्य किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इम्पीरियल टोबैको कंपनी में कला निदेशक पद पर कौन रहे थे? तो यही शैलोज मुखर्जी रहे थे। कौन रहे थे? शैलोज मुखर्जी रहे थे। तो इम्पीरियल टोबैको कंपनी में कला निदेशक पद पर कौन रहे? शैलोज मुखर्जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोक कला और बसौली शैली से प्रभावित कलाकार कौन है? किससे? लोक कला और बसौली शैली, लोक कला प्लस बसौली शैली से तो प्रभावित कलाकार कौन है? यही है शैलोज मुखर्जी। कौन है? शैलोज मुखर्जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1937 में शैलोज मुखर्जी ने किसकी पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित कहाँ हुई थी? इनकी, मतलब 1937 ईस्वी में शैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट एकल प्रदर्शनी, सिंगल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये कोलकाता में। क्वेश्चन बनता है, 1937 ईस्वी में शैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो ये कोलकाता में लगी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, किस कलाकार ने विवाह नहीं किया था? तो ये जो शैलोज मुखर्जी थे, इनका विवाह नहीं हुआ था, इन्होंने विवाह नहीं किया था, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैलोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली में बस से गिरकर हो गई थी। इनकी जो दिल्ली जा रहे थे ये, तो दिल्ली में बस से गिरकर हो गई थी। फिर आता है, शैलोज मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र, कौन सा प्रसिद्ध चित्र? इनका एक प्रसिद्ध चित्र है डांस। एक ये क्या है? ये एक चित्र है, और कैसा बना है? ये बना है तेल से, बनाया गया है, ऑयल पेंटिंग है ये।
डांस जो है ये ऑयल पेंटिंग है, और किसने बनाया है इसको, इसको बनाया है सैलोज मुखर्जी ने। किसने बनाया है? सैलोज मुखर्जी ने बनाया है। और किससे बना है? ऑयल पेंटिंग है। और ये क्या है? ये चित्र है। और कहाँ इसको रखा गया है, इसका संग्रह कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में संग्रह है। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी सैलोज मुखर्जी से क्वेश्चंस बनते थे ये कंप्लीट हो गए हैं। ये छोटे छोटे कलाकार हैं, इनसे जितना भी क्वेश्चन बन सकता था बन चुका है। एक क्वेश्चन इससे और बनता है, इम्पॉर्टेंट है, ग्रामीण परिवार। क्या है? ग्रामीण परिवार चित्र है। ये एक ग्रामीण परिवार एक चित्र है जो कि सैलोज मुखर्जी ने बनाया है। सैलोज मुखर्जी ने बनाया है, और ये कब बनाया है? 1956 में। कब? 1956 में, 1956 में बनाया है। और ये भी ऑयल पेंटिंग है। इसको भी कहाँ रखा गया है? नई दिल्ली में रखा गया है। तो अब यहाँ से सैलोज मुखर्जी का काम खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है कनु देसाई। कौन? कनु देसाई। तो कनु देसाई का जो जन्म हुआ था कब हुआ था बताइए? कनु देसाई का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1907 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब होती है? 1980 में होती है इनकी मृत्यु। कनु देसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। कहाँ? गुजरात के भड़ौच शहर में। कहाँ पर? भड़ौच शहर में हुआ था। ठीक है, तो कनु देसाई का जन्म कब होता है? 1907 में होता है, और इनकी मृत्यु कब होती है? 1980 में होती है, और कहाँ पर जन्म होता है? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कनु देसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये चित्रकार भी थे और ये कला निदेशक भी थे। कौन थे? कला निदेशक भी थे। समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, तो कला निदेशक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में हुई? तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो शांति निकेतन में। कहाँ पर? शांति निकेतन में हुई थी, और किसके मार्गदर्शन में हुई थी? ये हुई थी नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में। किसके? नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में। फिर आता है, कनु देसाई द्वारा निर्मित चित्र कौन कौन से हैं? तो है मीरा है, भारत माता भी इन्होंने बनाया है, भारत माता है, और वट सावित्री है, और अर्चना है, और है उपहार है, और कौन सी है, और है पालना है, और दादी है, फेस्टिवल ऑफ लाइफ है, और एक और है फेरी टेल। क्या है? फेरी टेल। तो कौन कौन सी है? पालना है, मीरा, अर्चना, भारत माता, दादी, उपहार, फेरी टेल है, तो हमने बता दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा कलाकार चलचित्र जगत से भी संबंधित रखता है और अनेक उत्तम फिल्मों में कला निदेशक किया? तो ये जो कनु देसाई थे, ये चलचित्र जगत से मतलब फिल्मी दुनिया से भी संबंध रखते थे, और फिल्मों के कला निर्देशन में काम भी इन्होंने किया है। अब कनु देसाई ने कौन कौन सी फिल्म में काम किया है? तो फिल्म के नाम आते हैं, पहली है पूर्णिमा। कौन सी? पूर्णिमा, राधिका, फिर आता है गीत गोविंद, फिर आता है विक्रमादित्य, और रामराज्य। ये जितनी भी मूवियां हैं इनमें सब में काम किया है। रामराज्य हो गया, और आता है मीराबाई मूवी में भी इन्होंने काम किया है, और बैजू बावरा में भी इन्होंने काम किया है। कौन सी? बैजू बावरा। और नवरंग में भी इन्होंने काम किया है, और भरत मिलाप में भी किया है, और झनक पायल बाजे। तो कौन कौन सी मूवी? तो पूर्णिमा, राधिका, गीत गोविंद, और विक्रमादित्य, रामराज्य, मीराबाई, बैजू बावरा, नवरंग, भारत मिलाप, और झनक झनक पायल बाजे। इन मूवियों में इन्होंने काम किया है। किसने? कनु देसाई ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके बारे में कि वर्ष 1957 में ये जो कनु देसाई थे, इनको फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड, कौन कौन सा? फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। किस मूवी के लिए? तो ये जो झनक झनक पायल बाजे, ये जो मूवी है झनक झनक पायल बाजे वाली, इस मूवी में इनको मिला है। ठीक है, तो 1957 में इनको
फिल्म फेयर अवार्ड में कनु देसाई को अवार्ड मिला है। और किस मूवी के लिए? झनक झनक पायल बाजे, इस मूवी के लिए। नेक्स्ट आता है 1938 ईस्वी में गुजराती संस्कृति में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक, कौन सा? रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक पुरस्कार किसको मिला था? ये भी कनु देसाई को मिला था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1938 ईस्वी में गुजराती संस्कृति में सर्वोच्च पुरस्कार रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक किसको मिला था? तो ये कनु देसाई को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट बनता है इनसे कि कनु देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात वैभव पुरस्कार, कौन सा? गुजरात वैभव पुरस्कार, गुजरात गौरव, सॉरी एक सेकेंड, दोबारा से इस पॉइंट को पढ़ते हैं। कनु देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो कब मिला था? 1965 में मिला था। कब मिला था? 1965 में मिला था। ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारे कनु देसाई भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब केवल एक लास्ट बचे हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर, कौन से? सुधीर रंजन खास्तगीर। बंगाल शैली के ये लास्ट हैं कलाकार जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। बस इनके बाद हमारे जो बंगाल के कलाकार होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके बारे में हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, केवल बोलते जाएंगे, उतने में समझना। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। देख रहे हैं कितने लोगों का जन्म हो रहा है और 1974 में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी हम उसकी भी एक वीडियो बना देंगे, छोटी सी, एक मिनट की या दो मिनट की, तो याद कर लेना, ठीक है। तो आता है सुधीर खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इनका चिटगांव बांग्लादेश में, ठीक है, चिटगांव बांग्लादेश में। केवल बोल रहे हैं, लिखना आप कुछ नहीं है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? चिटगांव बांग्लादेश में हुआ था। और सुधीर खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी थी? तो सुधीर खास्तगीर के जो पूर्वज थे उनको कौन सी उपाधि दी थी? तो खास्तगीर उपाधि दी थी। किसने दी थी? मुगलों ने दी थी। किसने? मुगलों ने दी थी। और खास्तगीर का मतलब क्या होता है? खास्तगीर का जो मतलब होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिए। खास्तगीर का जो मतलब होता है वो होता है हिंदू वैद्य को ही खास्तगीर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सुधीर खास्तगीर किसके शिष्य थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और फिर इसके बाद ये नंदलाल बोस के शिष्य बने। फिर आता है कला विषय में इन्होंने परास्नातक मतलब पीजी कहाँ से किया था? तो कला में। तो इन्होंने कहाँ से किया था? मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि कला विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने वाले फर्स्ट कलाकार कौन थे? तो कौन थे? ये सुधीर खास्तगीर ही थे। फिर आता है दून स्कूल और देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त कौन से हुए थे? तो यही थे, सुधीर खास्तगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये की थी सतीश रंजन दास ने। किसने? सतीश रंजन दास ने की थी। और कब की थी? 1935 में की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है सुधीर खास्तगीर किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये मूर्तिकार, मुख्यतः मूर्तिकार, गौरतः चित्रकार, मतलब मूर्तिकार के लिए सबसे ज़्यादा, और कभी कभी ये चित्रकारी भी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तो वह कलाकार जिसकी प्रतिभा मूर्तिकार प्लस चित्रकार दोनों रूप में प्रस्फुटित हुई, और परंतु वे पहले मूर्तिकार हैं फिर बाद में चित्रकार हैं, अभी बताए, तो कौन है ये? खास्तगीर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ष 1937 में सुधीर खास्तगीर ने कांस्य ढलाई, कौन सी? कांस्य ढलाई मतलब ब्रॉन्ज ढलाई, तो ब्रॉन्ज कास्टिंग की शिक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने इंग्लैंड में एरिक गिल से, किससे? इंग्लैंड में एरिक गिल से, एरिक गिल से इन्होंने शिक्षा ली थी,
ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्ष 1934 में सुधीर खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? इंडियन सोसाइटी लंदन में। कहाँ पर? इंडियन सोसाइटी लंदन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया था? तो कब किया था? 1956 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1911 में हुई थी, 1911 में हुई थी। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ में सुधीर खास्तगीर के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो थे मदन लाल नागर थे, रणवीर सिंह बिष्ट थे, अवतार सिंह पवार थे। कौन कौन? मदन लाल नागर थे और रणवीर सिंह बिष्ट थे और अवतार सिंह पवार थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्ष 1957 में कब? 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया था? मतलब 1947 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले फर्स्ट कलाकार कौन? फर्स्ट कलाकार कौन थे? तो यही खास्तगीर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो बाउल डांस किसका चित्र है? जो बाउल डांस है वो किसका चित्र है? ये चित्र है किसका? खास्तगीर का है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, तो विश्राम, विश्राम एक चित्र है, ये किसने बनाया है? ये बनाया है सुधीर खास्तगीर ने बनाया है, और किस में बनाया है? ये कागज में बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लीनो माध्यम में बना टोरसो किसमें? लीनो माध्यम में बना टोरसो किसका चित्र है? ये भी खास्तगीर का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, खास्तगीर के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है? तो इस इन पर जो प्रभाव है वो है यूरोपीय कलाकार कौन? रोंदा का। किसका? रोंदा का प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट आता है, सुधीर खास्तगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट्स सोसाइटी की हाल की प्रदर्शनी में मूर्तिकला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया, तो कौन है? डॉटर ऑफ द सॉयल। सुधीर खास्तगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हाल में प्रदर्शनी में मूर्तिकला के लिए पहला पुरस्कार दिया, तो कौन है? डॉटर ऑफ सॉयल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, खास्तगीर के मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं? तो भूख है, मूर्ति शिल्प कौन सी है? भूख है, और विंटर है, और माँ और शिशु है, और डॉटर ऑफ द सॉयल है। तो खास्तगीर के जितने भी पॉइंट बनते थे हमने पढ़ लिए हैं, ये हमने जल्दी जल्दी में किया है पूरा, लेकिन समझ में आ गया होगा, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बंगाल के कलाकार से, अब हम उसको लेकर आएंगे।